वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आज आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है। मुंबई में कुछ ज्यादा ही अंदेशा गहरा रहा है। मुंबई उपनगर जिला के टीकाकरण की पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों का टीकाकरण करना है। महिलाओं के टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा कुपोषण मामले को लेकर भी परेशानी बढ़ रही है। इस बार अदालत सख्त है। पिछली सुनवाई में अदालत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर कुपोषण के मामले थम नहीं रहे तो फिर तमाम योजनाओं का औचित्य ही क्या है। इस बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि राज्य के आदिवासी इलाके में कुपोषण व चिकित्सकीय सहायता के अभाव में कोई मौत हो। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए राहत की बात है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी राजेश कुंटे की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कुंटे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा साल 2014 में दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट को सबूत के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई थी। हैरत भरी खबर नई मुंबई की तलोजा जेल की है। वहां बंद एक विचाराधीन कैदी 25 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया। उसे 17 साल की लड़की की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एकतरफा प्यार और शक में उसने लड़की की जान ले ली थी। विभागीय सफलता की बात करें तो एंटी नार्कोटिक सेल ने कोडीन कफ सिरप बेचने के आरोप में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एएनसी ने सिरप की 7,900 शीशियां जब्त की हैं, जिनकी कीमत करीब 23 लाख रुपए है। बताया जाता है कि सिरप में कोडीन फॉस्फेट मादक पदार्थ होता है, जिसका इस्तेमाल नशे के लिए नशेड़ी करते हैं। मिली जुली खबरों के इस कॉकटेल की इस विस्तार से जानकारी इस प्रकार है। मुंबई उपनगर जिला के टीकाकरण की पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने समीक्षा की। समीक्षा बैठक मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों का टीकाकरण करना है। महिलाओं के टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने महिलाओं के अलावा विश्वविद्यालय के छात्रों और काम पर जाने वाले नागरिकों को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जिन इमारतों, कार्यालयों और हाउसिंग सोसाइटियों के सभी लोगों का पूरा टीकाकरण हो गया है, वहाँ प्रवेश द्वारों के पास QR कोड के साथ एक विशेष लोगो लगाए, ताकि टीकाकरण की वास्तविकता गुमराह करने वाली न बने। इसके लिए उन्होंने BMC अधिकारियों को खास तौर पर ध्यान देने को कहा। गौरतलब है कि मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में कोरोना की स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्लम और रिहायशी इलाकों में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। स्लम में कोरोना स्क्रीन कैंप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि चेतावनियों के बावजूद लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। प्रशासन ने चरणों में वर्गीकृत कर उपाय योजनाओं पर जोर दिया है। लोगों का भी साथ जरूरी है। तमाम सुविधाओं के बावजूद कुपोषण से हो रही मौत पर अदालत काफी गंभीर है। पिछली सुनवाई में अदालत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर कुपोषण के मामले थम नहीं रहे तो फिर तमाम योजनाओं का औचित्य ही क्या है। इस बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि राज्य के आदिवासी इलाके में कुपोषण व चिकित्सकीय सहायता के अभाव में कोई मौत हो। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी इलाकों की समीक्षा करे और हर 2 सप्ताह के भीतर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करे। खंडपीठ ने कहा कि हम आदिवासी इलाकों में और मौत नहीं चाहते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। खंडपीठ ने यह बात आदिवासी इलाकों में कुपोषण व मेडिकल सुविधाओं के अभाव तथा अन्य कारणों से हो रही मौत को लेकर कही। खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी की मौत अनपेक्षित परिस्थितियों अथवा उपचार के बाद होती है तो यह एक अलग बात है, किंतु कुपोषण व इलाज के अभाव में मौत नहीं होनी चाहिए। खंडपीठ के सामने साल 2007 में अमरावती के मेलघाट व अन्य आदिवासी इलाकों में कुपोषण से बच्चों व महिलाओं की होने वाली मौत को लेकर डॉक्टर राजेंद्र वर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी राजेश कुंटे की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कुंटे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा साल 2014 में दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट को सबूत के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई थी। साल 2014 में भिवंडी की एक सभा में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित तौर पर RSS को जिम्मेदार ठहराया था। कुंटे की याचिका के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि RSS के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा था। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी बात को गलत संदर्भ में समझा गया है। याचिका में मांग की गई थी कि
कि राहुल गांधी की ओर से भाषण के दौरान कही गई इस बात को सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया जाए। इससे पहले भिवंडी की मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुंटे की ओर से किए गए इसी तरह के आवेदन को साल 2019 में खारिज कर दिया था। उसके खिलाफ कुंटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहित ढेरे ने इसे खारिज कर दिया है। बता दें कि राहुल गांधी इस प्रकरण को लेकर भिवंडी कोर्ट में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। साल 2014 में गांधी के भाषण के बाद कुंटे ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। नई मुंबई की तलौजा जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी 25 फुट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया। फरार हुआ आरोपी संजय यादव साल 2018 में मुंबई के भांडुप इलाके में दो और साथियों के साथ एक 17 साल की लड़की की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों में से एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था और उसे शक था कि लड़की के किसी और से संबंध है। वारदात शनिवार दोपहर 11:30 बजे हुई। दोनों आरोपी जेल में ही बने अस्पताल में दवा लेने के बहाने निगरानी के लिए बने टावर के पास पहुंचे। यहां एक 7 फीट का लोहे का गेट बना है। यादव पहले गेट पर चढ़ा और फिर किसी तरह दीवार पकड़कर ऊपर पहुंचने में कामयाब रहा, जहां से उसने बाहर झाड़ियों में छलांग लगा दी। लेकिन दीवार की ऊंचाई देखकर यादव ने भागने का इरादा छोड़ दिया। जानकारी मिलने के बाद जेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने यादव को आसपास खोजने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस की टीम उसके भांडुप स्थित घर भी गई थी, लेकिन वह वहां भी नहीं गया था। जेल प्रशासन की शिकायत पर खारघर पुलिस ने यादव और अग्रवाल दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। तलौजा जेल में माफिया सरगना अबू सलेम समेत कई खूंखार कैदी बंद है। ऐसे में किसी कैदी का दिन दहाड़े जेल की दीवार फांदकर फरार हो जाना कई सवाल खड़े करता है। एंटी नार्कोटिक सेल ने कोडीन कफ सिरप बेचने के आरोप में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से ANC ने सिरप की 7,900 शीशियां जब्त की है, जिनकी कीमत 23,70,000 रुपए है। बताया जाता है कि सिरप में कोडीन फॉस्फेट मादक पदार्थ होता है, जिसका इस्तेमाल मुंबई के शिवाजीनगर, मानखुर्द और गोवंडी समेत आसपास की झुग्गियों में किया जाता है। यह कप सिरप कोरिक्स नाम से भी बाजार में उपलब्ध है, जो डॉक्टरों की सलाह पर ही दुकानदार ग्राहकों को देते हैं। नशेड़ी कप सिरप नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह गैरकानूनी तरीके से 150 से 300 रुपए में बेचा जाता है। ANC के अनुसार पुलिस ने जाकिर हुसैन नगर मानखुर्द के पास घाटकों पर मानखुर्द लिंक रोड पर स्थित एक सार्वजनिक शौचालय के पास एक जाल बिछाकर सिरप की सप्लाई करने आए आरोपी मुकेश राजाराम चौधरी को गिरफ्तार कर उसके पास से 60,000 रुपए के कप सिरप की 200 शीशियां जब्त की। चौधरी शिवाजीनगर, गोवंडी और मानखुर्द इलाके में सिरप की आपूर्ति करता है। चौधरी विरार के बारापाड़ा का रहने वाला है। घाटकों पर ANC ने 18 सितंबर को विरार स्थित चौधरी के गोदाम पर छापा मारा और वहां से 7,700 शीशियां जब्त की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रयागराज स्थित बाघम्बरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग एक सीढ़ी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके नरेंद्र गिरी जी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो एक स्थानीय नेता का नाम भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि इस नेता ने नरेंद्र गिरी के निधन के बाद करीब 30 मिनट तक आनंद गिरी से फोन पर बात की थी। इस बड़ी घटना के बीच राजनीतिक हलचल भी तेज है। खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ मैराथन बैठकें की है। सहयोग ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब के CM पद से इस्तीफा देने से ठीक एक दिन पहले ये बैठक हुई। इस बीच शर्मिंदगी पीछा नहीं छोड़ रही है। झारखंड के हजारीबाग जिले में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 5 युवकों पर वारदात को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। उन्होंने घटना का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को खामोश करा दिया था। इसके अलावा मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह भी आज चर्चा में हैं। उनकी मुश्किलें फिर बढ़ने वाली हैं। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक और खुली जाँच शुरू करने की इजाज़त दे दी है। ACP पहले ही सिंह के खिलाफ एक पुलिस इंस्पेक्टर की शिकायत पर जांच कर रही है। एक और बड़ी खबर राकांपा सुप्रीमो शरद पवार से जुड़ी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने शरद पवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शरद पवार शिव सैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते। लोग पवार के लिए जितनी वाहवाही करते हैं करें, लेकिन हमारे गुरु दिवंगत बाला साहेब ठाकरे ही है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को अब विस्तार से जानते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रयागराज स्थित बाघम्बरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की उनके आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव
प्रयागराज के अल्लापुर स्थित बांगबरी गद्दी मठ के एक कमरे में मिला। अखाड़े के इतिहास में ये पहला है जब किसी महंत ने फंदे से झूलकर जान दी है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले नरेंद्र गिरी प्रयागराज के बागंबरी मठ के महंत थे और संगम किनारे प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे। इस मामले में आरोपी उनके शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया है। आनंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी को हिरासत में लिया गया है। नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कुछ लोग एक CD का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके नरेंद्र गिरी जी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। वही एक स्थानीय नेता का नाम भी आया है। कहा जा रहा है कि इस नेता ने नरेंद्र गिरी के निधन के बाद करीब 30 मिनट तक आनंद गिरी से फोन पर बात की थी। इस बीच CBI जांच की मांग भी तेज होती जा रही है। पंजाब की सियासत में आए भूचाल के बाद अब पार्टी शासित दूसरे राज्यों में हलचल तेज होने लगी है। खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ मैराथन बैठकें की है। संयोग ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब के CM पद से इस्तीफा देने से ठीक एक दिन पहले ये बैठक हुई। हालांकि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर ये कहा कि राजस्थान में फिलहाल किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं है। पार्टी का पूरा ध्यान फिलहाल उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इन सभी राज्यों में 2022 के शुरुआती 6 महीने में चुनाव होने हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी इस मीटिंग को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन दो अन्य वरिष्ठ नेताओं ने यह जानकारी दी कि कांग्रेस अपनी प्रदेश की सरकारों में फेरबदल के समय 2024 लोकसभा चुनाव के लक्ष्यों को ध्यान में रख रही है। दरअसल गांधी की योजना ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही राज्यों में फेरबदल किए जाए। अगर कोई बदलाव होता है और पायलट की राजस्थान सरकार में वापसी होती है तो इसे अगले आम चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। झारखंड के हजारीबाग जिले में नाबालिग छात्रा से गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 5 युवकों पर वारदात को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। उन्होंने घटना का वीडियो वायरल करने की धमकी भी पीड़िता को दी थी। इसी के चलते पीड़िता ने मामले की जानकारी परिजनों को नहीं दी। इस बीच पीड़िता की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। शिकायत के अनुसार पीड़ित छात्रा 2 युवतियों के साथ किसी काम के चलते घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान 5 लड़कों ने बाइक से उनका पीछा किया। इनमें से 2 युवती भागने में सफल रही। पीड़ित छात्रा को उन लोगों ने पकड़ लिया और अपनी बाइक से सुनसान इलाके में ले गए। इसके बाद 5 युवकों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। 2 युवकों की पहचान भी कर ली गई है, लेकिन घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। परिजनों के मुताबिक आरोपी युवकों ने पीड़िता को दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी, जिसके कारण शुरू में उसने पूरी घटना की जानकारी परिजनों को नहीं दी। बाद में तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को घटना की जानकारी मिली। सोमवार को परिजन पीड़िता को लेकर हजारीबाग जिला मुख्यालय स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक और खुली जांच शुरू करने की इजाजत दे दी है। ACB पहले ही सिंह के खिलाफ एक पुलिस इंस्पेक्टर की शिकायत पर जांच कर रही है। उनके खिलाफ एक अन्य पुलिस इंस्पेक्टर BR घाटके ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आपराधिक साजिश रचने और सबूत मिटाने जैसे आरोप लगाए थे। ताज़ा जांच घाटके की शिकायत के आधार पर होगी। अप्रैल में दर्ज कराई FIR में उन्होंने पूर्व पुलिस आयुक्त पर आपराधिक साजिश रचने, सबूत मिटाने और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत आरोप लगाए थे। इसके अलावा घाटके ने सिंह पर भ्रष्टाचार और सीनियर इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति के बदले पैसे लेने के भी आरोप लगाए थे। राज्य के गृह विभाग से मिली अनुमति के बाद अब ACB नए गवाहों, संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। उनके बयान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, साथ ही ब्यूरो लुकआउट नोटिस भी जारी कर सकती है। ACP पहले ही सिंह के खिलाफ पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे की शिकायत पर जांच कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने NCP प्रमुख शरद पवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा था, वो शिव सैनिक के लिए गुरु नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना, राकापा और कांग्रेस की त्रिपक्षीय महाविकास आघाड़ी सरकार सिर्फ एक समायोजन है। लोग पवार के लिए जितनी वाहवाही करते हैं करे, लेकिन हमारे गुरु दिवंगत बाला साहेब ठाकरे ही है।
जब तक यह सरकार चल रही है तब तक चलती रहेगी। अगर हम अलग हो गए तो हमारा घर शिवसेना है और हम हमेशा अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। रायगढ़ के पूर्व सांसद गीते ने यह भी कहा कि उनका शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति कोई गलत मंशा नहीं है और वह चाहते हैं कि यह सफल हो। पवार ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोप कर अपनी पार्टी बनाई थी। यदि कांग्रेस और राकापा एक नहीं हो सकते हैं तो शिवसेना भी पूरी तरह से कांग्रेस की नीति पर नहीं चल सकती। बता दें कि एनसीपी का गठन 25 मई 1999 को शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर द्वारा किया गया था। बाद में एनसीपी केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकारों का हिस्सा बन गई, जिसमें पवार ने कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। कोरोना संकट से जूझ रही दुनिया रोज नई बीमारियों से दो चार हो रही है। हवाना सिंड्रोम का घातक रूप अब किसी से छिपा हुआ नहीं, इससे भारत भी हैरान है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि CIA के एक अफसर को हाल ही में भारत में हवाना सिंड्रोम के लक्षण महसूस हुए। इस CIA अफसर का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसका उपचार किया गया है। वो कुछ ही दिनों पहले एजेंसी के निदेशक विलियम बैंड्स के साथ भारत आए थे। मगर अच्छी और बुरी खबर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए है। अच्छी इसलिए कि उनकी सत्ता बरकरार है और बुरी इसलिए कि उन्होंने बहुमत हासिल नहीं हो सका। चुनाव जल्दी करवा कर उन्होंने एक पासा फेंका था जो पक्ष में तो पड़ा है, लेकिन कसर बाकी छोड़ दी है। हैरान करने वाली खबर अफगानिस्तान से भी है। ब्रिटेन की एक मैगजीन ने दावा किया है कि कुर्सी की लड़ाई में तालिबान के सर्वे सर्वा हिबतुल्ला अखुनजादा की मौत हो गई और उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को बंधक बनाकर रखा गया है। हालांकि विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है, उसकी आधिकारिक प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच चीन पर लगाम कसने के उद्देश्य से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री मोदी, जापानी PM सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन व्हाइट हाउस में मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि ये नेता चीन के खिलाफ अपने संसाधनों को एकजुट करके एक दूसरे की मदद करने पर चर्चा करेंगे। भारत के लिए ये बैठक अहम है, लेकिन पड़ोसी मुल्क नेपाल का अंदाज फिर बदला नजर आ रहा है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने दस्तावेजों के माध्यम से दावा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत S. जयशंकर ने साल 2015 का संविधान पारित करने के खिलाफ चेताया था। भारत ने नेपाल की सरकार पर नए संविधान को नहीं अपनाने के लिए दबाव डाला था। सुर्खियों में शामिल दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों पर अब विस्तृत नजर डालते हैं। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि CIA के एक अफसर को हाल ही में भारत में हवाना सिंड्रोम के लक्षण महसूस हुए। इस CIA अफसर का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसका उपचार किया गया है। वह कुछ ही दिनों पहले एजेंसी के निदेशक विलियम बर्न्स के साथ भारत आए थे। हवाना सिंड्रोम सबसे पहले 2016 में क्यूबा में अमेरिका के दूतावास में काम करने वाले अमेरिकी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों में देखा गया था। इसके बाद क्यूबा में अमेरिकी दूतावास की अधिकांश गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। पिछले महीने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को वियतनाम की राजधानी हनोई की अपनी यात्रा को 3 घंटे टाल देना पड़ा, क्योंकि वहां के अमेरिकी दूतावास ने बताया था कि वहां किसी में हवाना सिंड्रोम जैसे लक्षण देखे गए हैं। सिंड्रोम की तफ्तीश करने वाली टास्क फोर्स के एक अधिकारी ने बताया कि निशाना बनाकर छोड़ी हुई रेडियो फ्रिक्वेंसी सिंड्रोम पैदा करती है। बहुत मजबूत संभावना है कि सिंड्रोम को जानबूझकर पैदा किया जा रहा है और इसके लिए रूस जिम्मेदार हो सकता है। बहरहाल हवाना सिंड्रोम की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है, मगर ये लोगों को बीमार कर रहा है और अमेरिका में इसकी दहशत है। वर्ष 2015 से सत्ता में मौजूद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस बार चुनाव जल्दी करवा कर एक पासा फेंका था जो उनके पक्ष में पड़ा है। उनकी पार्टी ने सत्ता पर पकड़ बनाए रखी है, हालांकि लिबरल पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हो पाया। चुनाव प्रचार के दौरान जस्टिन ट्रूडो की हालत कमजोर दिख रही थी और एक बार की लगने लगा था कि वह सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें हासिल करने से पिछड़ सकते हैं, लेकिन नतीजा 2019 के चुनाव वाला ही रहा, जिसमें ट्रूडो ने अल्पमत की सरकार बनाई और चलाई थी। देश के चुनाव आयोग इलेक्शन कनाडा के मुताबिक लिबरल पार्टी पिछली बार से एक सीट ज्यादा 156 सीटों पर बढ़त में है। ओंटारियो और क्यूबेक में उसे 111 सीटें मिल रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स में 338 सीटें हैं और बहुमत के लिए किसी दल को 170 की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो एक करिश्माई नेता साबित हुए। 2015 में जस्टिन ट्रूडो पूरे बहुमत से सत्ता में आए थे, लेकिन 2019 में उनका बहुमत छीन गया था
और उन्होंने 4 साल अल्पमत की सरकार चलाई। अब दोबारा अल्पमत में होने का अर्थ होगा कि अहम प्रस्ताव पारित कराने के लिए ट्रूडो को फिर से न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी पर निर्भर रहना होगा, जिसके नेता भारतीय मूल के जगमीत सिंह है। कोविड-19 की महामारी के दौरान ट्रूडो ने जो काम किया उसके भरोसे पर उन्होंने जल्द ही चुनाव कराए थे। अफगानिस्तान में सत्ता पाने के बाद आपस में खूनी संघर्ष ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन की एक मैगजीन ने दावा किया है कि कुर्सी की इस लड़ाई में तालिबान के सर्वे सर्वा हिबतुल्ला अखुंदजादा की मौत हो गई है और उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को बंधक बनाकर रखा गया है। सत्ता के लिए ये संघर्ष तालिबान के ही 2 धड़ों के बीच हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया कि हक्कानी धड़े के साथ इस झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान मुल्ला बरादर को ही पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर माह में तालिबान के दोनों धड़ों की बैठक हुई थी। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब हक्कानी नेता खलील उल रहमान हक्कानी अपनी कुर्सी से उठा और उसने बरादर पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। बरादर लगातार तालिबान सरकार के कैबिनेट में गैर तालिबानियों और अल्पसंख्यकों को भी जगह देने का दबाव बना रहा था ताकि दुनिया के अन्य देश तालिबान सरकार को मान्यता दे। इस झड़प के बाद बरादर कुछ दिनों के लिए लापता था और अब एक बार फिर से उसे कंधार में देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बरादर ने आदिवासी नेताओं से मुलाकात की है जिनका समर्थन भी उसे मिला है। हालांकि बरादर पर दबाव बनाकर उससे वीडियो संदेश जारी किया गया। इस वीडियो में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बरादर को बंधक बना लिया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी शुक्रवार को अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बाइडेन से ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु पनडुब्बी और टॉमहॉक मिसाइलों का ऐतिहासिक ऑकस समझौता किया है। अमेरिका ब्रिटेन ने ड्रैगन की आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। अब बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी और क्वाड देशों के अन्य नेताओं के साथ बैठक के दौरान चीन पर वज्रपात करने के महाप्लान को अमलीजामा पहनाया जा सकता है। भारत के लिए ये मुलाकात आर्थिक और रक्षा संबंधों के लिहाज से बेहद अहम साबित होने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साप्ताहिक कार्यक्रम के अनुसार 24 सितंबर शुक्रवार को ही बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी, जापानी पीएम सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेंगे। माना जा रहा है कि ये नेता चीन के खिलाफ अपने संसाधनों को एकजुट करके एक दूसरे की मदद करने पर चर्चा करेंगे। हालांकि इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत कोरोना वैक्सीन को लेकर एक महाडील पर काम कर रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पार्टी को सौंपे गए दस्तावेजों में ये दावा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत एस जयशंकर ने साल 2015 का संविधान पारित करने के खिलाफ चेताया था। रिपोर्ट के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की स्टैंडिंग कमेटी की 19 सितंबर को बैठक हुई थी और ओली ने इसी कमेटी को ये राजनीतिक दस्तावेज सौंपे हैं। डॉक्यूमेंट में ये दावा किया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में आए भारतीय डिप्लोमेट ने राजनीतिक दलों के नेताओं को इस संविधान को नहीं अपनाने के लिए चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर ये भारत के सुझाव के खिलाफ किया गया तो इसे नहीं माना जाएगा। नेपाल का लोकतांत्रिक संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया था। उस वक्त विदेश सचिव रहे एस जयशंकर ने इससे ठीक पहले काठमांडू की यात्रा की थी और पुष्प कुमार दहल, प्रचंड समेत नेपाल के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की थी। ओली का कहना है कि संविधान का मसौदा तैयार होने के बाद से ही भारत सरकार इस बात पर असंतोष जाहिर कर रही थी कि उसकी चिंताओं पर गौर नहीं किया जा रहा है। भारत ने नेपाल की सरकार पर इस संविधान को नहीं अपनाने के लिए दबाव डाला था। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।